झारखंड के करोड़पति इंजीनियर वीरेंद्र राम का रो रो कर बुरा हाल है। ईडी की हिरासत में रात गुजारने के दौरान वीरेंद्र राम रात भर परेशान रहे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वे रात भर रोते सिसकते रहे। आज ईडी द्वारा उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट से ईडी रिमांड पर वीरेंद्र राम को लेगी। ईडी की टीम वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर लगातार 38 घंटे तक सर्च किया। करोड़पति इंजीनियर वीरेंद्र राम के पास से कई गाड़ियों के कागजात जब्त किए हैं। ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम के पास से फॉर्चूनर गाड़ी जब्त किया। बताया जा रहा है कि गाड़ी खरीद में लेन देन से संबंधित दस्तावेज वीरेंद्र राम के पास नहीं मिले हैं। अभी पूरे मामले की जाँच ईडी की टीम कर रही है। ईडी को सर्च के दौरान पता चला है कि एक टोयोटा कंपनी की गाड़ी राजेश कुमार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। इसी गाड़ी पर वीरेंद्र राम चलते थे। गाड़ी के आगे झारखंड सरकार के मुख्य अभियंता का बोर्ड लगा हुआ है। वीरेंद्र राम के घर से करीब 2 करोड़ के जेवरात और 200 करोड़ निवेश के दस्तावेज मिले हैं। ईडी की टीम वीरेंद्र राम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वीरेंद्र राम के साथ एक अन्य व्यक्ति आलोक रंजन से भी ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान भी वीरेंद्र राम रो रहे थे, खुद को बेगुनाह बता रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम ने पूछताछ में ईडी को कई वीवीआई लोगों के नाम बताए हैं, जिनसे लेन देन की बातें सामने आ रही है। वीरेंद्र राम के पकड़े जाने के बाद कई बड़े नाम भी रडार में गए हैं। 22 फरवरी को हुई पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत वीरेंद्र राम का बयान दर्ज किया है। ईडी की टीम इंजीनियर वीरेंद्र राम के घर पहुंची तो शानो शौकत देख दंग रह गई। घर में फ्रांस की कंपनी का पानी मिला। पूछताछ में पता चला है कि परिवार के लोग 250 रुपए लीटर का पानी विदेश से मंगा कर पीते थे। ईडी के अफसरों को वीरेंद्र राम की पत्नी ने धमकाया भी, मगर ईडी की दबिश देख परिजनों की हेकड़ी निकल गई। तब वीरेंद्र राम ने सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार का गणित समझाया, कैसे हर महीने का कलेक्शन 100 करोड़ से भी अधिक था, यह सब बताया है। वीरेंद्र राम ने बताया है कि कलेक्शन में से उसे छोटा सा हिस्सा ही मिलता था, असली मजा नेता और वरीय अफसर लेते हैं। वीरेंद्र राम ने डायरी और पेन ड्राइव के माध्यम से पूरी जानकारी दी है कि कब किसको कितना पहुंचाया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।